The success of Western Railways, ladies, special. Celebrate. जीती रहो सदा सौभाग्यवती भाव। तुम ये इतनी सुबह सुबह? सुबह जल्दी उठने से और पूजा पाठ करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेने से दिन अच्छा गुजरता है। बहुत दिनों के बाद आज सुबह का एहसास हो रहा है। इस एहसास के लिए बरसों से तरस रहा हूं मैं। मैं चाय बना दूं? हाँ हाँ, तुम बैठो बैठो। जानती हो, इस घर के लोगों की सुबह दोपहर के 12 बजे होती है। तो क्या माँ जी भी दोपहर में 12 बजे उठती हैं? क्या कहा माँ जी? उन्हें माँ जी मत कहना, वरना नाराज हो जाएंगी। उन्हें मम्मी कहना, उन्हें मम्मी कहलवाना अच्छा लगता है। जिस तरह की सोसाइटी में वो उठती बैठती हैं, वहां माँ को मम्मी कहते हैं, और कभी कभी तो मॉम कह के भी काम चला लिया जाता है। अगर तुम्हें उन्हें मॉम कहोगी ना, तो वो खुश हो जाएंगी और वो समझेंगी कि तुम पढ़ी लिखी हो, सिविलाइज्ड हो, और उन्हें तुम पर गर्व भी हो सकता है। वो इतनी सिविलाइज हो गई हैं कि अपने जड़ों को, अपने संस्कारों को भी भूल गई हैं, और अब तो हमारी बिटिया भी उनके ही रास्ते पर चल पड़ी है। तुम्हें पता है इस घर के लोग मुझे क्या समझते हैं? क्या? रुपया बनाने की मशीन, रुपया बनाने की मशीन। बाबूजी, बेटे तुमसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। इस घर के लोगों का रहन सहन, उनके तौर तरीके बदल दो। जो काम मैं नहीं कर सका, वो अब तुम्हें करना होगा। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर डाल रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि तुम ये कर लोगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो संस्कार है
जो इस दुनिया को बदल सकता है। अरे वाह, सालों के बाद सबको एक साथ डाइनिंग टेबल पर देख रहा है। ये तो अनीता है पापा, जितने सुबह सुबह सबको जगा दिया। वरना चलो, किसी को तो ख्याल आया कि घर के तमाम लोगों को कम से कम सुबह के वक्त एक साथ नाश्ता तो करना चाहिए। आप नाश्ता कीजिए। हाँ, उसी के लिए तो आया हूँ। भाई वाह, कमाल है, अनीता ने घर में परिवर्तन ला दिया। हाँ, नहीं तो हम तो यूं ही जी रहे थे। अब अनीता से जीने का सलीका सीखना पड़ेगा। भाई, जिसने सबको एक साथ बिठा दिया वो कहां पर है? अनीता, अनीता जी। आप लीजिए। लो बेट। मुझे नहीं चाहिए। बेटा तुम भी नाश्ता कर लो। पहले आप सब लोग कर लीजिए, मैं बाद में करूंगी। अरे बेटा, तो हमारे साथ नाश्ता करो ना। कैसी लग रही हूं? क्या हुआ? बहुत प्यारी लग रही हो तुम। ऐसा लग रहा है जैसे तुम भी मुझे छोड़ के जा रही हो। आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। ओके, जाना पड़ता है बेटी। देखो, अनीता भी तो चली गई। इसके बारे में मैंने कुछ सोचा है। मैं शादी नहीं करूंगी तो आपको छोड़कर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा मत कहो। तुम्हारे जाने का दुख जरूर होगा मुझे, पर तुम्हारा घर बस्ती देखने का अरमान भी तो है। फाइन, तो मैं शादी सिर्फ एक शर्त पर करूंगी, कि मेरे साथ मेरी आंटी भी रहेगी। फिर तो हो चुकी तुम्हारी शादी। तुम मेरी चिंता करना छोड़ो, बस अपनी चिंता करो। मेरा रोना धोना तो जिंदगी भर का है। ऐसा मत कहिए आंटी, हमें भी दुख रहेगा कि हमारे बिना हमारी आंटी बिल्कुल अकेली रह जाएगी। वो आंटी जिसने जिंदगी भर हमें अकेलेपन का एहसास तक नहीं होने दिया। बस बस, अब अगर मेरे बारे में ज्यादा बातें हुई तो वहां जाने के लिए देर हो जाएगी। मुझे भी तो तैयार होना है। हाँ, अनीता इंतजार कर रही होगी। बट हाउ डू आई लुक? तुम अपने को समझती क्या हो? आपकी पत्नी, और इसमें समझने वाली क्या बात है? वो तो ना होगी। देखो, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ कि मेरे अपना लाइफस्टाइल है और मेरी एक अपनी जिंदगी है जिसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब आपकी जिंदगी में मैं आ चुकी हूँ, ये बात अगर आप समझना चाहें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और तुमने आते ही इस घर को एकदम मिलिट्री कैंप बना दिया। सुबह जल्दी उठो, भगवान का नाम लो। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो यार? और वो नैपकिन लेकर तो वहाँ ऐसे खड़ी थी जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। I can take care of myself। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि आप में डिसिप्लिन नहीं है, बस। देखो, तुम अपनी जिंदगी अपनी तरह से जियो,
मुझे अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने दो प्लीज। आज आप अनीता को बहुत घूर घूर के देख रहे थे, पूछ सकती हूँ क्यों? मैं अनीता की ओर नहीं देख रहा था, मैं एक बहू और एक पत्नी की भावनाओं को देख रहा था। आज तक आपने मुझे तो इस तरह नहीं देखा, मैं भी तो इसी घर की बहू और आपकी पत्नी भी। अगर तुमने अनीता की सादगी देखी होती, उसका अपने पति की ओर व्यवहार देखा होता तो तुम ऐसी बात नहीं बोलती। काश कि अमित की जगह मैं होता और अनीता की जगह तुम। आप अपनी पत्नी की तुलना किसी दूसरी औरत के साथ कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म तो आती है, मुझे बहुत आती है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मेरी पत्नी को मेरी थोड़ी भी परवाह नहीं है। पापा के साथ रह रहकर आप भी उन्हीं की जबान बोलने लगे हैं, वो भी हमेशा मुझे ही दोषी ठहराते हैं, लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया तब उनके पास कोई जवाब नहीं था। सविता तुमने पापा के साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। वो क्या सोचेंगे, यही ना कि मैंने तुम्हें छूट दे रखी है। अभी आपको सिर्फ अपनी फिक्र है, अपने पापा के सामने वो सिर्फ अपनी इमेज पे है। मुझे बड़ों की इज्जत करनी भी आती है। तो क्या मेरे दिल में बड़ों के लिए कोई इज्जत नहीं है? हाँ नहीं है, इसलिए तो कहता हूँ जो चीज अपने घर से सीख कर नहीं आई हो अनीता से सीख लो। क्यों, वो दिन भूल गए जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी? ये अनीता जो आज कर रही है ना, ये सब मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे मिला क्या? आपका प्यार नहीं, सिर्फ आपका इंतजार। आपको तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मैंने किसी दूसरे आदमी पर आंख उठाकर नहीं देखी। सविता चिल्लाइए मत। हेलो, हाँ आप लोग मोर्चे की तैयारी कीजिए, मैं आ रही हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। आप लंच के लिए यहीं आएंगे ना? नहीं मैं लंच बाहर करता हूँ। आप लंच बाहर करते हैं? बस आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी आई। कहाँ जा रही हैं? मैंने कुछ सैंडविचेस बनाए हैं, मैं उन्हें ले आया। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, आप जाइएगा। नहीं बस मैं अभी आई। ये रहे आपके सैंडविचेस। थैंक यू। और कल से आपका लंच मैं बना दिया करूंगी, कल से बाहर का खाना बन। ओके बाय। गुड डे। डार्लिंग मैं जा रही हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगी। हाँ मेहमा जी, क्या है? क्या है डाली? आज आप कहीं ना जाएं, आज आपके घर में होना बहुत जरूरी है मेहमा। लेकिन मैंने अपने फ्रेंड्स को प्रॉमिस किया है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। आज आपकी बहू के घर से उसकी बुआ और उसकी बहन आने वाली हैं, और आप ही घर में ना हो तो कितना बुरा लगेगा उन्हें, थोड़ा ख्याल तो रखो। देखिए मैं उन्हें फोन पर सॉरी कह दूंगी। ओके फोन पर सॉरी कह देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती महिमा। मैंने अपने ऑफिस के सारे प्रोग्राम्स पोस्टपोन किए हैं, तुम एक किट्टी पार्टी कैंसिल नहीं कर सकती? देखिए फिलहाल मेरा मूड बहुत अच्छा है, प्लीज उसे खराब मत कीजिए। अनीता के घर वाले उसे लेने आ रहे तो आए ना, उसे लेकर चले जाए। छोटी सी बात के लिए मैं अपने सारे प्रोग्राम्स क्यों कैंसिल करूं? महिमा आप उनके आने का मतलब नहीं समझ रही हैं। वो यहाँ सिर्फ अनीता को लेने ही नहीं आ रहे हैं, फेरा की रस्म भी निभाने आ रहे हैं। देखिए ये सारी पुरानी रस्में हैं, नए जमाने में ये पुरानी रस्में कोई माने नहीं रखती। माँ जी आज आप लंच में क्या लेंगी? तुम अपने लिए कुछ बना लेना और इनके लिए पालक पनीर, मेरा लंच का प्रोग्राम बाहर है।
लेकिन आज तो हाँ हाँ जानती हूँ, तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेने आ रहे हैं, तो चले जाना, मगर मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू हियर कंप्लेंट्स। ओके बाय डाली। और हाँ, आज मैं हारूंगी नहीं, जीत कर ही आऊंगी। हाय अमित, आई एम सॉरी आई एम लेट। कैसे हो? अच्छा ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? दोस्तों को मिलने की कोई वजह नहीं होती है, जब मन करता तब मिल लिया जाता है। अमित, कल ही तुम्हारी शादी हुई है और तुम इतने उदास लग रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? तुम जानती हो क्या प्रॉब्लम है? ओके, वी वोंट टॉक अबाउट एनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, ठीक है? अच्छा ये तो बताओ कैसी रही? तुम जानती हो मैं और अनीता जेल नहीं करते। ओहो, मैं अनीता की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे सुहागरात की बात कर रही हूँ। यू नो एवरी टाइम आई थिंक अबाउट इट ना, मेरे मन में ना कुछ कुछ होने लगता है। आई मीन सुहागरात शब्द कितना रोमांटिक है ना? टीना प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बात करनी तो वी वोंट टॉक अबाउट इट। अच्छा ये तो बताओ कि तुमने अनीता को गिफ्ट में क्या दिया? हकीकत बता दी, बता दिया कि मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीऊंगा। ओह माय गॉड, वो तो बिल्कुल शैटर हो गई होगी, तुमने तो उसका दिल ही तोड़ दिया। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था अमित। टीना और कोई मुझे समझे ना समझे, कम से कम तुम मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हें समझने के लिए दिल की जरूरत है और वो दिल मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैंने अपना दिल किसी और को दे दिया है। टीना तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, मुझे सुकून चाहिए। डिस्टर्ब तो अनीता भी होगी ना, सुकून तो उसे भी चाहिए। किसी आउटिंग के लिए चले? That's a great idea. चलो कहीं चलते हैं। एक शर्त पे, हम साथ में अनीता को भी ले चलेंगे, ओके? अनीता आज मायके जा रही है, उसके घर वालों से लेने आ रहे हैं। तो फिर तो तुम्हें वहां होना चाहिए। मेरा वहां क्या काम? मैं नहीं जाऊंगा। Come on, अमित, वो तुम्हारी बीवी है, you must go. अनीता कब से आप दोनों का इंतजार कर रही है? ये समधन जी को दे रहा था। आप लाई हैं तो लेना ही पड़ेगा, लाइए। समधन जी की नजर नहीं आ रही है। मैं अभी अनीता को बुलाता हूँ। अनीता लो, वो आ गए अनीता। कैसी हो? देखा आंटी, दीदी ने जीजू को हमसे छुपा कर रखा है। वो बाहर गए हैं, मुझे लगता है घर के सारे ही लोग बाहर गए हैं। नहीं नहीं, अच्छा ये बताइए खाने के पहले क्या लेना पसंद करेंगे आप? कोल्ड ड्रिंक, जूस? अरे नहीं नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे, हम तो सिर्फ अनीता को लेने आए हैं। अपनी सेवा करने का कुछ तो मौका दीजिए हमें। अंकल फिलहाल आप हमें बस दीदी को ले जाने की इजाजत दीजिए, बहुत सारी बातें करनी है। हम जाए? अच्छा बेटा जाओ इनके साथ। खुश रहो, सदा सौभाग्यवती भव, और जल्दी लौट कर आना। इस घर में कोई ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम नहीं होगी तो ये घर सूना सूना लगेगा। जी बाबूजी। जाओ। नमस्ते। नमस्ते।